हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक है कि बच्चों को पढ़ाई कैसे करवाएं, बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। पढ़ाई तो चलो वो करता ही रहेगा, पर लिखना कैसे सिखाएं, स्टार्टिंग कैसे करें लिखने की कि हाँ अभी टाइम है बैठने का, आप बैठो और चलो लिखते हैं, चलो पढ़ते हैं, एक इंटरेस्टिंग वे में कैसे बच्चों को सिखाएं। सो ये मेरी बेटी है भार्गवी, कॉलिंग नेम है इसका दुग्गू, घर का नेम। और दुग्गू अभी 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुई है, इसका कल बर्थडे है, सो अभी तक 3 इयर्स की कंप्लीट नहीं हुई है। और दुग्गू ने लिखना स्टार्ट कर दिया था 2 इयर्स से, मतलब उसने पेंसिल पकड़ना जो होता है पेंसिल पकड़ना स्टार्ट किया था उसने 2 इयर्स में। और अभी 1 ईयर में उसने अल्फाबेट्स उसने कंप्लीट कर लिए हैं, ABCD, स्मॉल ABCD 1 to 20 तक लिख लेती है, काउंटिंग उसको 50 तक आती है। और इसने हिंदी वर्णमाला भी लिखना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये है दुग्गू की कॉपी, तो आप यहाँ देख सकते हैं, चलो उल्टा आ रहा होगा, मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ कि इसकी जो राइटिंग है ये ऐसी है, कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये इसकी अभी की है, ये मैंने कल परसों ही करवाई है, तो कल परसों ही मैं इसे डेली 1 घंटा तो लेके बैठती हूँ। देखिए जो बच्चों को पढ़ाने का होता है, बच्चों को जब हम पढ़ाने बैठते हैं तो ये नहीं कि हाँ बच्चा ही बैठेगा यही पढ़ेगी मेरा बच्चा। तो मैंने यहाँ बहुत सारे, मैं जहाँ रहती हूँ मैं बहुत सारे औरतों से पूछती हूँ कि आपका वो करते हैं कि नहीं, तो वो बस ये बोलते हैं कि आपकी दुग्गू तो बैठ जाती है, हमारा बच्चा ऐसा है कि हमारा बच्चा नहीं बैठता। तो मैं सोचती हूँ ये कहना गलत है, बच्चे को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि वो बैठता नहीं है, बच्चे को बिठाने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। अगर माँ बैठ रही है, उसके पिता बैठ रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठ रहे हैं, भले ही वो ड्राइंग करने बैठ जाओ, सर्कल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन उसके सामने अगर आप बैठ रहे हो तो बच्चा भी सीखेगा कि हाँ एक ये चीज़ है, इस पेंसिल से, पेंसिल कहते हैं वो, पेंसिल से लिखना है। तो मैं, जैसे मेरी आदत थी कविताएं लिखने की, तो वो मुझे देखती थी कि मैं लिख रही हूँ कुछ, क्या लिख रही हूँ, कॉपी में कुछ ऐसे पेन चला रही है मम्मी, तो इसको भी एक क्यूरियोसिटी हुई कि नहीं मुझे भी करना है, तो मैं इसको पेन दे देती थी, कॉपी दे देती थी कि बेटा तू जहाँ लिखना है लिख। तो बस पहले तो स्टार्टिंग में उसने ऐसे ऐसे करना स्टार्ट किया, जब इसने पेंसिल अच्छे से पकड़ लिया उसके बाद हमने स्टार्ट किया इंक्लाइन लाइन, स्ट्रेट लाइन। मैं ऐसे 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 डॉट लगा देती थी, 2 डॉट्स लगा देती थी। इस 2 डॉट्स में दुग्गू ने जब पेंसिल पकड़ना स्टार्ट कर दिया था, जब मुझे लगा कि नहीं इसने पेंसिल पकड़ के वो सिर्फ कॉपी में ऐसे लाइन ही खींचती रहती थी बस, देन आई नो कि हाँ इसने पेंसिल पकड़ना सीख लिया है, इसको खुद से इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये स्टार्ट करवाया था। आप देख ही सकते हैं जैसे ये क्या करवाया। अब बच्चा ऐसा भी है, इसमें आप देख पाएंगे कि टेढ़ा मेढ़ा भी है, इसमें मैं आपको टेढ़ा मेढ़ा वाला दिखाऊं। टेढ़ा मेढ़ा वाला स्नेक देखिए, धीरे धीरे उसकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होती रही। और जैसे मुझे इसको ABCD सिखाना था, देन मैंने इसको 19 नवंबर 2021 में राइट हैंड साइड विथ लेफ्ट हैंड विथ राइट हैंड इसको लिखना सिखाया। मैं चाहती थी ये दोनों हाथों से लिखना सीखे, तो ये लिख लेती है। हाँ लेफ्ट हैंड से बहुत स्लो लिखती है, राइट हैंड से जल्दी फास्ट लिखती है। मैं ऐसे बोलती हूँ कि अगर राइट हैंड से तुम थक गए हो तो लेफ्ट हैंड यूज कर लिया करो। तो आप ये देख सकते हैं 19 नवंबर 2021 की ये कॉपी है इसकी, ये प्रैक्टिस किया है इसने। और ये लाइनिंग, ये मैंने इंग्लिश में इसको इंट्रोड्यूस करवाया कि हाँ यहाँ पे भी लाइनिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। जब मुझे इसका ABCD स्टार्ट करवाना था, जैसे ये स्ट्रेट लाइनिंग हो गया और ये इंक्लाइन लाइनिंग हो गया, ये सब प्रैक्टिस करवाना जरूरी है बच्चे को। फिर मैंने इसको एक दिन इंट्रोड्यूस करवाया ए लिखना, सबसे पहला लेटर ए लिखना। लाइनिंग ये कर चुकी थी, बहुत प्रैक्टिस करती थी, प्रैक्टिस मतलब सिर्फ कॉपी में ही प्रैक्टिस नहीं करती थी, मैं इसे चॉक दे देती थी, तो इस चॉक से वो पूरे फ्लोर में
लाइनिंग स्ट्रेट लाइन, मैं ऐसे बोलती थी स्ट्रेट लाइन खींचो तो ड्रॉ लाइन, ड्रॉ इंक्लाइन लाइन, तो वो सब वो ड्रॉ करना सीख गई थी। जब मुझे लगा कि हाँ ये ड्रॉ करना सीख गई है, देन मैंने इसे इंट्रोड्यूस करवाया ए से। तो आप देख सकते हैं इसकी जो पहला ए था वो कुछ इस तरह सा, इस तरीके से था, ठीक है, मतलब इतना हाथ साफ नहीं हुआ था, लेकिन हाँ ये पहचान गई थी कि ए को कैसे लिखते हैं, ठीक है। और हर बच्चे का ना अलग अलग होता है। अगर आपके दिमाग में है कि ए लिखते हैं तो सिर्फ फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन एंड देन जॉइंट करते हैं, तो ये आपके नजरिए में है, क्या पता बच्चा उस ए को किसी और नजरिए से देख रहा हो। तो जो भार्गवी करती है, मेरी भार्गवी क्या करती है, हर लेटर का एक राइम बनाया है मैंने। लाइक ए लिखना है, देखो ए कैसे लिखते हैं, एक मिनट मैं आपको एग्जांपल से ही बता देती हूँ कि ए कैसे लिखते हैं, इसकी नजर में ए लिखना क्या है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो यहाँ ए लिखो। अब आप देख पाएंगे कि दुगु ए कैसे लिख रही है, अप डाउन कट। तो दुगु, मेरे मुंह से बार बार दुगु निकल रहा है, सॉरी। अगर इसका नाम दुगु, मैं कॉलिंग नेम दुगु बोलती हूँ, और इसका गुड नेम है भार्गवी सरकार चौधरी। व्हाट इज योर नेम? भार्गवी सरकार चौधरी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ए को ये किस नजरिए से देखती है, पहले मैंने इसे बहुत ट्राई किया कि ये मेरे तरीके से लिखे, जैसे हम लिखते थे बचपन में, राइट, पहले फर्स्ट लाइन एंड देन सेकंड लाइन, फिर उसको ज्वाइन करते थे, राइट। लेकिन नहीं, बच्चों का अपना एक नजरिया होता है, वो समझना बहुत जरूरी है एक पेरेंट के हिसाब से। अगर ए लिखना है तो इसके हिसाब से है कि अप डाउन एंड कट, तो उसको वो चीजें याद रहेगी। वो जब ए लिखती है तो हमेशा मैं उसको ये बैकग्राउंड बोलता ना, बैकग्राउंड म्यूजिक में बोलती रहती हूँ कि बेटा ए इज लाइक अप डाउन एंड कट, तो उसको याद रहता है कि हाँ पहले अप करना है, डाउन करना है, एंड देन जॉइंट करना है। सो बी में भी उसका अलग है, तो मैं उसको ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। लाइक मैं बी कैसे लिखवाती हूँ, बी का मतलब हम बच्चे को ऐसे नहीं कह सकते कि लाइन खींचो और ऐसे गोल करो, ऐसे गोल करो, ऐसे का कोई डेफिनेशन नहीं होता, राइट। तो अगर बच्चे को समझाना है, राइट, तो इसके दिमाग में बहुत क्लियर कर देना है कि बी कैसा होता है, आप उस बी को किस नजरिए से देखते हैं, ठीक है। तो बी मैं उसको सिखाती हूँ ड्रॉ लाइन राउंड एंड टच, राउंड एंड टच, जिससे वो बी बना लेती है, उसको ये याद रहता है कि हाँ ड्रॉ लाइन राउंड एंड टच में बी बन जाता है, ठीक है। इसको लिखवाने से पहले मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे, मेरे पापा बोलते थे कि अभी उसको पढ़ने मत बिठा, अभी जैसे ये 2.5 साल की है तो अभी पढ़ने मत बिठा, इसको सिर्फ ड्रॉ करवा। तो सबसे पहले इसको यही इंट्रोड्यूस करवाया गया, सर्कल बनाना, हाफ मून बनाना, ट्राइंगल, स्क्वायर, इसको एक पहचान हो जाती थी कि हाँ ऐसे ही बनेगा, कि हाँ सर्कल बनाओ, सर्कल कैसा है, एक क्लॉक की तरह है, एक फेस की तरह है, हमारे आईज के प्यूपल की तरह है, तो इसे डिफाइंड हो गया। तो बच्चों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को ऐसे ही डिफाइन करना सिखाएं। यस, देयर इट इज। और एक बात, बच्चा खुद से पढ़ने नहीं बैठेगा, इतना छोटा बच्चा तो नहीं बैठेगा, तो ये एक्सपेक्ट भी मत करना कि हाँ बच्चा बैठेगा, आपको खुद उसे बिठाना है, उसके अंदर वो डर पैदा नहीं करना है कि हाँ उसके अंदर वो डर पैदा नहीं करना है कि पढ़ना मतलब मार खाना है या डांट खाना है, रोना है, नहीं ऐसा नहीं है। पढ़ना इस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर वो थक भी जाती है ना, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर ये थक भी जाती है और मुझे पढ़ाना है, ठीक है, मुझे लगता है कि ये आज कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन इसको दो लेटर की पहचान नहीं हुई अभी भी, तो मैं इसे बोलती हूँ कि दुगु मुझे बताओ ये कैसे लिखते हैं, तो वो एक्सप्लेन करती है कि हाँ इसको ऐसे लिखते हैं, तो मैं वैसा करती रहती हूँ, मैं लिखती रहती हूँ, और मैं उसे बोलती हूँ बस मेरी हैंडराइटिंग को देखते रहो, मम्मा कैसे लिख रही है वो देखते रहो, मैं लिखती रहती हूँ, ऑब्जर्व करती रहती है मुझे, बस इसके वो होता है ना एक सबकॉन्शियस माइंड में वो बच्ची से बैठ जाती है कि हाँ मम्मा ने तो ऐसे लिखा था। नेक्स्ट डे मैंने जब ट्राई किया, नेक्स्ट डे मैं उसे बोलती हूँ कि दुकु लिखना, हाँ वो सेम वैसा ही लिखती है, वो सेम वैसा ही लिखती है जैसे मैंने लिखा है,
इसीलिए आप बच्चे को फोर्स ना करें, अगर वो नहीं लिख रही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ है, 2 साल ही हुए पैदा हुए हुए, उसको नहीं पता होगा, उसको डांटे ना मारे ना कुछ नहीं, उसको बस ऑब्जर्व करना सिखाएं। ABCDEFGH करो H H I very good I के बाद J very good J के बाद K very good very good K K के बाद K के बाद पढ़ो ऊपर से काम पढ़ो हाँ हाँ जोर से पढ़ो A B C D अच्छे से पढ़ो पढ़ो धीरे धीरे पढ़ो A B C D E F G H I J K K L देखो yes draw a line and hat draw a line and down and down and right very good likho down and right l down and right right l ke baad m m m kaise likhte hain mujhe batao m kaise likhte hain up down up down very good up down up down up down up down m m for monkey चलो यहाँ पे n लिखो n n कैसे लिखते हैं n n down up down हाँ लिखो हाँ very good n n n for next very good यहाँ पे o o Oh, very good. यहाँ पे P. P. Very good. P के बाद Q. P. O P Q. Q कैसे लिखते हैं लोगों? Q कैसे लिखते हैं? O की तरह. O O की तरह फिर? Leg. हाँ, O की तरह and then leg लगा देंगे हम, है ना? क्या बन जाएगा? Q. लिखो. Down. And. Very good. Q. Q के बाद R. R कैसे लिखते बेटा? P बना के and leg. Very good. P बना के and leg. जो line. छोटा सा round. और इसका लेग लेग बना देते हैं वेरी गुड पी क्यू आर एस एस तेरा बेटा तेरा बेटा तेरा बेटा एस फॉर स्नेक की तरह तेरा बेटा अच्छा लिख के बता दो कैसे है तेरा बेटा तेरा वेरी गुड एस एस टी टी कैसे लिखेंगे Draw line and hat. Very good. S T U. यहाँ पे U लिखेंगे. U for up. जैसे that one down and up. Very good. Nice observation. Very good. हाँ लिखो लिखो. यहाँ पे U लिख के बता दो. The down and up. Very good. U. यहाँ पे V. क्या लिखेंगे? V. V लिख के बताओ. वी यहाँ पे नहीं है आप लिख के बता दो वी यहाँ पे नहीं है यहाँ पे वी लिख के बताओ मुझे कैसे वी लिखते हैं सबको दिखा देंगे हम वी कैसे लिखते हैं डाउन एंड
आप, वी, वेरी गुड, ये वी बन गया है ना, वी, वी के बाद यू, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, लिख के बता दो, डब्ल्यू, वेरी गुड, डब्ल्यू, और यहाँ पे यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, लिख के बताओ, कट कट, कट कट, वेरी गुड, ए कट कर दिया है ना, क्या कट कैसे करते हैं दुगु, कट 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 कट, वेरी गुड, एक्स वाई जी, वाई लिखो, वाई U V W X Y, पढ़ो यहाँ से, U U V, नीचे V, नीचे V, W X Y, Y Y कैसे लिखते बेटा, छोटा सा V बना के डाउन कर देंगे, लेग लगा देंगे है ना, Y बन जाएगा, और यहाँ पे Z, Z कैसे लिखते हैं, बोलो कैसे लिखते हैं, बता दो, माउथ से बताओ, माउथ से बताओ, राइट डाउन राइट, वेरी गुड, राइट डाउन राइट, डाउन राइट, वेरी गुड जी, देखिए दुगुन ने से कंप्लीट कर दिया, हाँ आपको मजा आया, ना डेट लिखना ना भूलें, डेट जरूर लिखें अगर आप इसे पढ़ाने बैठ रहे हैं, इससे क्या होगा आपको भी ऐसा लगेगा कि यार ये तो दो दिन हो गए, दो दिन से पढ़ने नहीं बैठी, अब इसको पढ़ाने हैं, अब आप कॉपी खोलेंगे तो आपको लगेगा अरे 6 के बाद 11 में पढ़ने बैठ रही है, तो इतना गैप हो गया, आपको पता चलेगा कि किस चीज में उसको ज्यादा फोकस करना है, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या टाइम देना है, अभी कितना टाइम पढ़ना है, इसको आपको भी पता चलेगा, इसलिए डेट लिखना बहुत जरूरी है। और अपने लाइफ रूटीन में ना अगर बच्चे को एक डिसिप्लिनरी वे में पढ़ाना है तो आपको भी डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, आपको भी एग्जैक्ट टाइम पे बैठना है, एग्जैक्ट टाइम पे छुट्टी देना है, अगर आपको लगे कि नहीं आज बच्चे का मूड नहीं है पढ़ने का तो कोई बात नहीं, छुट्टी दे दें, उसके बदले आप उसको गुनगुनाते रहें कि संडे मंडे ट्यूसडे, उसको संडे मंडे सिखाएं, जनवरी फरवरी सिखाएं, बोल बोल के सिखाएं, क्योंकि बच्चा गाते गाते बोलते बोलते तो पढ़ ही लेता है, क्योंकि बच्चे ज्यादा बोलते हैं, वो तोते होते हैं, तोते वो तोतों की तरह पतर पतर करते रहते हैं, तो अगर वो लिखना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, उस दिन उसको छुट्टी दे, उसको कुछ उसका फेवरेट स्नैक बना के दे और गुनगुनाते रहिए, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, ये सब इस एज में दुगु ने कवर कर लिया है। तो मैं भी चाहती हूँ कि हर बच्चा ऐसा ही हो, हर बच्चे अलग अलग होते हैं, आई नो, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ कि हर बच्चा अलग अलग होता है, लेकिन खुद से ट्राई करना ना भूले, कोई कोई बोलता है कि अरे अभी तो 2 ही साल हुए हैं पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि यू नो सांस लेना, अभी से पढ़ने पड़ेगी, तो ऐसा तो नहीं है कि आज बैठाऊं तो आज ही कर लेगी या मैं प्रेशर दे रही हूँ, नहीं, बच्चे को वो एक वही तो है दिमाग में, उसको डालना है कि पढ़ना यू नो डर वाली चीज नहीं है, पढ़ना एक बहुत फन एक्टिविटी है, हम रोज पढ़ने बैठते हैं, इसमें मजा आता है, बच्चे को ये सब होना चाहिए। तो अभी मैं 2 साल, जब ये 2 साल की थी तब से मैं ट्राई कर रही हूँ, ट्राई क्या कर रही हूँ, रोज थोड़ा 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 थोड़ा, आज ए लिख लिया ठीक है, छुट्टी 5 मिनट पढ़ लिया, लेटर लिख लिया, चौक दे दो हाथ में, लिखती रहेगी, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, बच्चा भी सोचेगा कि नहीं मैं तो ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ, मैं तो बहुत अच्छा कुछ बना रहा हूँ, वो कुछ ए लिख दे, एक लेटर लिख दे, या कुछ ट्राइंगल बना ले, सर्कल बना ले, तो बस खुश हो जाते थे, ये बहुत अच्छा किया, इतना अप्रिशिएट करते थे कि बच्चा खुद बोलता था कि अरे मैं फिर से लिखूंगा और फिर से मम्मा पापा मुझे अप्रिशिएट करेंगे। तो बच्चे के अंदर ये सब डालना होता है, राइट। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगी। अब ये देखिए हो गई उसकी छुट्टी, उसने ABCD लिख दिया, अब मुझे पता है ये अभी 1-2 नहीं लगेगी क्योंकि अभी ये खेलने के मूड में है, तो मैं इसको ये भी नहीं चाहूंगी कि ये भी डिस्टर्ब हो, ये भी खेले आराम से खेले, मैं इसे पूछूंगी कि अगर लिखना चाहती है तो, दुगु 1-2 लिखना है 1-2 नहीं लिखना, ओके चलो आप बाय बाय बोल दो व्यूज, बाय बाय।
टेक केयर। टेक केयर। और क्या बोलते हैं? I love you all. बोल दो। I love you all. Bye bye. Bye bye guys. Bye.